अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बेपर्दगी हमारी ज़रूरत है? आप सुन रहे हैं रज़वी मीडिया में शेख सज्जाद हुसैन रज़वी। सवाल, बाज़ लोगों का ख़्याल है कि तरक्की मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में बेपर्दगी हमारी ज़रूरत बन चुकी है। मखलूत महाफिल में लड़कियों को आरायश व ज़ीनत के साथ लेकर जाएंगे तो उनके लिए रिश्ते आएंगे। वैसे भी चादर या दुपट्टा न लेना कोई कुफ्र इस्लाम का मसला तो नहीं है। कुरान सुन्नत की रोशनी में इस ख़्याल की क्या हैसियत है? जवाब, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शरीयत मुतहरा किसी भी हुक्म की तौहीन या उसे हल्का जानने का क्या हुक्म है। सदर शरिया लिखते हैं कि किसी शख्स को शरीयत का हुक्म बताया कि उस मामले में ये हुक्म है, उसने कहा कि हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, हमको रस्म की पाबंदी करेंगे। ऐसा कहना बाद मशायख के नज़दीक कुफ्र है। बाहर शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा नहम सफ़ा नंबर 132 बहवाला फतावे आलमगिरी। अब शर्म हया और गैरत के मुतालिक कुरान सुन्नत के अनवार समाअत फरमाएं। इरशाद बारी ताला हुआ कि तुम फरमाओ, मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई जो उनसे खुली हैं और जो छुपी हुई हैं। कंजुल ईमान। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि गैरत ईमान की अलामत है और बेगैरती नफाक की निशानी है। दूसरी जगह इरशाद हुआ, अल्लाह से ज़्यादा कोई गैरतमंद नहीं, इसलिए उसने ज़ाहरी व पोशीदा हर किस्म की बेहयाई को हराम फरमाया है। बुखारी व मुस्लिम। एक और हदीस पाक में फरमाया गया कि ईमान और हया दोनों साथी हैं, जब एक यानी हया चली जाए तो दूसरा यानी ईमान भी चला जाता है। मिश्कात। इन अहादीस मुबारक से मालूम हुआ कि ईमान वाले गैरतमंद होते हैं और गैरत का तकाजा यह है कि ज़ाहिर पोशीदा तमाम बेहयाइयों से नफरत की जाए, और बेपर्दा तो ऐसी खुली बेहयाई है कि हदीस पाक में इरशाद हुआ, बिला उज्र नामहरम को देखने वाले पर और जिसे दिखाया जाए उस पर भी, जबकि वह कसदर खुद को दिखाए, दोनों पर अल्लाह ताला की लानत है। मोहम्मद खलील खान कादरी फरमाते हैं कि कहाँ तो शरीयत मुतहरा की यह ताकीद कि औरत हल्की खुशबू इस्तेमाल करे के तेज़ खुशबू से गैर मर्द उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे, और कहा बेबाकी की खुदनुमाई की यह नुमाइश है कि आधे सर के बाल और कलाइयाँ और कुछ हिस्से गले या पंडली का खुला हुआ रहना तो गोया के कोई ऐब ही नहीं है और ज़्यादा बातपन हो, और नुमाइश का शौक़ बढ़ा तो दुपट्टा ढलका हुआ और क्रेप जालीदार बारीक मलमल या नाजुक वायल या ऐसे ही कपड़ों का लिबास जिसे कमीज जम्पर फ्राक जिससे बदन की रंगत चमके, और इस हालत में उनका गैरों में जाना अजनबियों में फिरना गैर मर्दों के साथ बाज़ारों और आम गुजरगाहों में ख़रीदो फरोख्त करना कहाँ तो औरतों का अपना महल्ले की मस्जिद में घर के दरवाज़े पर दो कदम के फासले पर जाना मना है, और कहाँ सैर तमाशे बाजे ताशे के महफिलों में मजलिसों में बढ़ती हुई बेहयाइयाँ और परवान चढ़ती आवारगियाँ, कहाँ तो हदीस में गैरों के घर का गैरों के घर जहाँ न अपना काबू हो अपना गुज़र हो अपने मकानों की बनिस्बत आया के औरतों को बाला खानों ऊपरी मंजिल पर ना रखो।
कि नामहरम की नज़रों से उन पर कई गुना ज़्यादा उन पर पड़ेगी। और कहा कि सनीमा थिएटर और बाप अपने घर और पार्को कल्बों में ये उलियानियाँ और बद लिहाजियाँ ख्याली रोशनी रोशन ख्याली आजकल की है, दिलों से सलब उसने कर लिया रोशन ख्याली है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जख्मियों में से एक ग्रोह है, उनमें से उन औरतों का है जो बज़ाहिर तो कपड़े पहनती है मगर हकीकत में नंगी है, यानी इस कदर बारीक और ऐसा लापरवाही से कपड़े पहनती है कि उनका बदन चमकता है और दिखता है और कहीं से भी खुला हुआ आता है कहीं से छुपा हुआ, वो खुद भी दूसरे मर्दों की तरफ रग़बत करती है कि बनाव सिगार करके दूसरों को लुभाती है या सर से दुपट्टा उतार कर अपनी ताकि दूसरे उनका चेहरा देखें, और मटक मटक कर चलती है ताकि दूसरों को फरेबता करे अपनी तरफ मायल करे। ये औरतें हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से मालूम होती है और दूर दूर तक फैलती है। हमारे माशरे में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपनी बीवी के हुकूक़ को कहने पर खिलाफ शरा कामों का इर्तकाब करते हैं और अपनी बीवी और बेटियों के बेपर्दगी पर राजी रहते हैं, और गैरत ईमानी इन पर महरूम शौहर उसे बेपर्दगी से मजबूर करता है। ऐसे शख्स को रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दयूस कहा है और फरमाया कि उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है कि बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे कौम के पर्दे का क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पर गया।